Yeah! Yeah! God! Wow! Bro, I'm sweating a lot. It means I'm getting bigger, slimmer, fatter, flatter, and okay, God. I'm sweat a lot. It means I'm gaining. Oh, I'm leaning. Oh my goodness. Oh God. Today is Tuesday. So Tuesday se hoga har Tuesday myth busting Tuesday. तो आज हम बस करेंगे ये पसीने वाला मिथ. Oh God, बहुत गर्मी है. तो मैं अभी नॉर्थ इंडिया में हूँ. आज है 11th June. बहुत गर्मी है यहाँ पे, 47 के करीब, 47 सेंटीग्रेड के करीब पारा है यहाँ पे. काफ़ी गर्मी है. तो गाइस, बहुत सारे लोगों में ये मिथ मैंने देखा है सर्कुलेट होते हुए कि आप अगर गर्मियों में जिम करेंगे तो जल्दी स्लिम होंगे, आपका फैट लॉस जल्दी हो जाएगा, और आप अगर ट्रैक सूट पहन के रनिंग करेंगे या जॉगिंग करेंगे या फिर वो साइकिल चलाएंगे जाके जिम में, जो कि यूजली बहुत सारे मोटे लोग करते हैं, बट एट द लास्ट उनको फेलियर ही मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है. तो गाइस, आज बस्ट करेंगे इस मिथ को, तो देखते रहिए ये वीडियो. तो गाइस, मैं बात कर रहा था कि स्वेटिंग से आपके फैट लॉस का कुछ लेना देना है कि नहीं. तो गाइस, फैट लॉस का स्वेटिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं. देयर इज टू सेपरेट थिंग, फैट लॉस एंड वेट लॉस. यस, वेट लॉस में हम अगर स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से कुछ पानी एवेपोरेट हो जाता है, बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से अगर हम एक्सरसाइज करने से पहले मेजर करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद मेजर करेंगे तो उसमें आधा केजी से एक केजी का डिफरेंस आ सकता है. डिपेंड किया आपने कैसे एक्सरसाइज किया, हीट किया बहुत ज़्यादा, यू नो, जिसमें आपकी बॉडी से पसीना निकला या सोना बाथ लिया, इस तरह का कुछ करेंगे तो आपका ऑब्वियसली वाटर एवेपोरेट होगा, जिसके कारण आपका वेट जो है वो डेफिसिट में दिखाएगा. बट इसका ऐसे कोई भी संबंध नहीं है, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि आपका फैट लॉस हुआ है या आपने उतना जो आपके अंदर फैट है वो लॉस कर दिया या वो मेल्ट हो गया है. तो गाइस, हीट से आपकी फैट नहीं मेल्ट होती, प्लीज़ इस बात को जान लीजिए. आपका पसीना, आप एक्सरसाइज में बहुत सारा पसीना बहाते हो, बहुत सारा पसीना आ रहा है आपको, आप सोचोगे कि आप स्लिम हो जाओगे, लीन हो जाओगे, दिस ऑल आर बुलशिट. ये सारे का सारा बुलशिट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है. आपको ये समझना होगा ये साइंटिफिक प्रोसेस है, पसीना क्यों आता है. पसीना हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आता है, वो हमारे टेम्परेचर को, हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस करती है. गाइस, जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, हमें बहुत सारा स्वेट होता है, उसका रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो हमारी बॉडी उसको कूल डाउन करती है, जिसकी वजह से हमारी स्वेट ग्लैंड में से पसीना निकलता है, हमारी बॉडी के ऊपर वाटर एवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है. आप देखते होंगे कि आपको पसीना आया, आप बाइक चलाएं या आप साइकिलिंग करें या आप रनिंग करें तो आपको ठंडा एकदम एसी जैसा कूलिंग इफेक्ट मिलता है. वो इसीलिए होता है कि हमारी जो बॉडी से वो हीट है वो डेसिपेट होती है, हीट निकलती है गाइस. तो यही कारण है हमें पसीना आने का, और कोई रीज़न नहीं है पसीना का आपकी फैट लॉस से कुछ लेना देना नहीं. फैट लॉस एक डिफरेंट प्रोसेस है गाइस, और जो आपकी प्रेस्पिरेशन है, जो आपको पसीना आने की प्रोसेस है, वो बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है. तो इन दोनों का आपके फैट लॉस के साथ कुछ भी इंटरकनेक्शन नहीं है. यस, आप वेट, आप कुछ वेट, वाटर वेट लॉस कर सकते हैं, बट जैसे ही आप घर वापस आएंगे, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आप पानी पियेंगे वो वापस से वहीं आ जाएगा. गाइस, इससे इसके इंस्टेड आप ये करें कि अच्छे से पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए. वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काफ़ी पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और जब भी आप जिम जाते हैं आपके साथ वाटर बॉटल लेके जाइए, और बीच में अगर आप एक घंटा जिम कर रहे हैं जहाँ एक घंटे से ज़्यादा कर रहे हैं तो बीच में सिप लेते रहिए पानी के, इससे आप हाइड्रेट रहेंगे. एक बात आपको बता दूँ, बड़े मसल बनाने के लिए, बिगर मसल बनाने के लिए मसल को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है. डिहाइड्रेशन मोड में आप काम करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आपके साथ स्पोर्ट्स इंजरी या कोई इंजरी हो सकती है, आप वेट उठा रहे हैं, आप वहाँ पर आपको यू नो सीजर भी हो सकता है. तो इससे बचने के लिए आप अच्छे से पानी पीजिए. और फिर से बता दूँ आपको, नॉन एसी में वर्कआउट करके और पसीना बहा के जिम करके और ट्रैक सूट पहन के रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा. प्लीज़ गाइस, डोंट कमिट दीज काइंड ऑफ सिंस. ये ऐसी गलतियाँ मत कीजिए. आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई भाई हैं या आपके माँ बाप, आपके बड़े कोई ये करते हैं तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है, इससे आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है. आप खाली पीली जिम की जगह हॉस्पिटल में पहुँच जाओगे और
वहाँ पे आपका जो हॉस्पिटल का बिल है वो ऊपर चला जाएगा और आपकी जेब से बहुत सारा पैसा निकलेगा, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कीजिए। कभी भी क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर एक्सरसाइज मत कीजिए ये सोच के कि पसीना आ रहा है ओके और मैं फैट लॉस कर रहा हूँ या मैं स्लिम हो रहा हूँ। तो ऐसी घटिया तकियान उसी बातों पर विश्वास मत कीजिए, साइंस इनके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है। तो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।